नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है पेंट की फैक्ट्री। आप अपनी नई पेंट की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, या आपकी अपनी पेंट की फैक्ट्री ऑलरेडी लगी हुई है, या आप अपनी पेंट की फैक्ट्री को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी पेंट की फैक्ट्री। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है जो आपकी फैक्ट्री है, जहाँ आप अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, वो बिल्डिंग रोड के लेवल से, सड़क के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। बाहर का जो एरिया है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। बाहर के एरिया में किसी भी प्रकार का मटेरियल पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक बिल्कुल दीवार के साथ का जो एरिया है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। सड़क टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ सड़क टूटी हुई है तो आप उसको फिल करा के उसको प्लेन कराएं, स्मूथ कराएं। आपको अपनी फैक्ट्री में जो गेट बनाना है वो गेट नॉर्थ ईस्ट प्लस नॉर्थ के भाग में लेना है, यानी यहाँ पर आपने अपना मेन गेट बनाना है। आपकी अपनी जो फ्रंट की वॉल है, जो दीवार है, वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, आगे पीछे निकली हुई नहीं होनी चाहिए। और आपका जो अपना मेन गेट है, मेन गेट की ऊंचाई और आपकी चार दीवारी की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है, इंडस्ट्री में ज़्यादातर देखने में आता है कि मेन गेट को अंदर की ओर करके लगा दिया जाता है। आपने अपना मेन गेट नॉर्थ के भाग में, नॉर्थ ईस्ट की ओर अंदर की ओर करके गेट को नहीं लगाना है। जो आपकी बाउंड्री वॉल है उसी के पैरेलल आपने मेन गेट को लगाना है। मेन गेट आप भले ही कितना बड़ा कर लो लेकिन अंदर की ओर करके आपको नहीं लगाना। आप अपने मेन गेट का ध्यान रखते हैं और मेन गेट बाउंड्री वॉल पर लगाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी फैक्ट्री नुकसान में नहीं जाएगी। अब बात करते हैं मेन गेट से अंदर आने के बाद आपने पानी का टैंक और पानी की बोरिंग कहाँ बनानी है। पानी का टैंक आपने ईस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने पानी का टैंक बनाना है और इसी के साथ में आपने पानी की बोरिंग सबमर्सिबल लगाना है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में आपको सबमर्सिबल या पानी का टैंक कहाँ बनाना है, वो आपकी नॉर्थ जोन यानी उत्तर दिशा में, यहाँ पर पानी का टैंक और सबमर्सिबल की व्यवस्था कर सकते हैं। मेन गेट से एंट्री करते ही फ्रंट के भाग में आपने गार्डरूम बनाना है, ये आपका गार्डरूम बन जाएगा। आपका काम पेंट का है, आप पेंट बनाते हैं। आपके यहाँ जो व्यक्ति माल लेने आते हैं, जो ड्राइवर्स आते हैं, उनके लिए जो आपने रूम बनाना है वो रूम आपका ये बन जाएगा, ये आपका ड्राइवर रूम बनाना है। अब बात करते हैं मीटर रूम की, मीटर रूम आपने कहाँ बनाना है। क्योंकि आपकी नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री है और आपका पेंट का काम है और मीटर हमेशा बाहर के भाग में ही लगता है, यानी जो आपकी बाउंड्री वॉल है उसी दीवार के साथ मीटर रूम बनाया जाता है, वो मीटर रूम आपने नॉर्थ वेस्ट प्लस नॉर्थ के भाग में बनाना है। यहाँ पर आपका मीटर रूम आ जाएगा और आपको अपने यहाँ पर जनरेटर रखना है तो जनरेटर आपका यहाँ पर आएगा। कोई भी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का साइज़ बड़ा होता है तो उसमें हमेशा दो गेट लगाए जाते हैं। इसमें दूसरा गेट आपका नॉर्थ वेस्ट के भाग में आता है। ध्यान रखना है इस गेट का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। इस गेट से आपके यहाँ माल आ सकता है लेकिन आपके यहाँ जो माल जाने का रास्ता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट के गेट से ही आपने माल को भेजना है। यदि आप नॉर्थ वेस्ट के गेट से माल भेजते हैं तो आपके माल में हमेशा ही कंप्लेंट बनी रहेगी, और आप नॉर्थ ईस्ट के गेट से माल भेजते हैं तो हमेशा ही आपके माल की क्वालिटी अच्छी रहेगी और कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी। अब बात करते हैं फर्श की ढलान कैसे करनी है। फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, वेस्ट से नॉर्थ की ओर और साउथ से ईस्ट की ओर,
पूरा जो स्लोप आपने लेके आना है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आपने स्लोप लेकर आना है। यदि आप शेड बनाते हैं तो आपके जो शेड की ढलान होनी चाहिए वो साउथ से नॉर्थ की ओर होनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन में आप वेस्ट से ईस्ट की ओर भी अपने शेड का स्लोप कर सकते हैं। यदि आप अपनी फैक्ट्री को चारों तरफ से ओपन छोड़ते हैं तो ओपन एरिया का जो स्लोप होना चाहिए वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर और साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, उसके बाद साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप आएगा और सबसे बाद में नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप आएगा और सारा स्लोप नॉर्थ ईस्ट कोने में आ जाता है और सारा पानी आपका नॉर्थ ईस्ट कोने से बाहर निकलेगा। इस प्रकार आप अपने ओपन एरिया के फर्श की ढलान सही करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। किसी कारण से आपका फ्रंट का भाग यानी नॉर्थ की जोन ऊंची है और आपके साउथ का भाग या वेस्ट का भाग नीचा है तो आपकी फैक्ट्री चलने में दिक्कत आएगी। आपको लगता है कि आपके यहाँ दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपका नॉर्थ का फर्श का लेवल है उस फर्श के लेवल से आप साउथ के फर्श के लेवल को और वेस्ट के फर्श के लेवल को ऊंचा जरूर करें। ऐसा करने से आपकी फैक्ट्री रनिंग में आ जाएगी। आपको ये लगता है कि सारा फर्श का लेवल बराबर है और फिर भी आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपका साउथ का भाग है और वेस्ट का भाग है इसको लगभग 6 इंच से 1 फीट के करीब ऊंचा करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया रनिंग में आ जाएगी, आपको हमेशा प्रॉफिट देगी। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये फैक्ट्री है ये पूरी की पूरी फैक्ट्री कवर्ड है, सिर्फ आगे नॉर्थ का भाग ओपन है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ मशीनों का सेटअप आपने कैसे करना है, क्योंकि आपका पेंट का काम है और पेंट के काम में हमेशा मिक्सिंग होती है, जो आपके केमिकल्स आते हैं उनके मिक्स होके उसका पेंट बनाया जाता है। उसके लिए जो आपकी मशीनें लगनी हैं वो मशीनें साउथ वेस्ट से शुरू करके, यानी जो आपकी मशीन सबसे हैवी है और सबसे ऊंची है वो आपने साउथ वेस्ट के भाग में लगानी है। मशीनों के हिसाब से वर्किंग करते हुए आपको जितना स्पेस चाहिए उस स्पेस को छोड़ के आप सेकंड मशीन साउथ साउथ वेस्ट के भाग में, साउथ के भाग में, यहाँ पर आप अपनी मशीनें लगाएं। मैंने पेंट की फैक्ट्रियों की विजिट की हुई है, आपकी फैक्ट्री छोटी है या बड़ी है जितनी आपको मशीनों की रिक्वायरमेंट है वो मशीनें आप सबसे पहले साउथ जोन में लगाएं, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, क्योंकि आपकी जो मशीनें हैं उनके अंदर आवाज़ होती है, वाइब्रेशन होती है और गैस भी उड़ती है, स्मेल बनती है। पेंट मिक्सिंग करने वाली मशीनें आवाज़ करती है, वो मशीनें आपने सबसे पहले साउथ के भाग में साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट तक जितनी आपको मशीनों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर मशीनें लगाएं, मिक्सिंग करने की मशीन लगाएं। उसके बाद आपने वेस्ट के भाग में साउथ वेस्ट से शुरू करके जितनी मशीनों की आपको रिक्वायरमेंट है उतनी मशीनें आप वेस्ट के भाग में लगाएं। आपके यहाँ पेंट की फैक्ट्री में रॉ मटेरियल हमेशा पाउडर के रूप में आता है और लिक्विड के रूप में आता है। लिक्विड के लिए बड़े बड़े ड्रम आते हैं, 200 लीटर के ड्रम आते हैं और बैग के लिए 30 किलो 40 किलो 50 किलो के बैग आते हैं। वो बैग आपने कहाँ रखने हैं, वो बैग आपने इस हॉल के साउथ वेस्ट के भाग में, इस जोन में आपने बैग रखने हैं और यहां पर साउथ जोन में भी आप अपने जितनी आपको रिक्वायरमेंट है जितना आपके पास स्पेस है यहाँ पर इस जोन में आपके पूरे पूरे बैग आ जाएंगे। इस हॉल के अंदर माल के आने का और माल के मशीनों पर जाने का रास्ता, माल के आने का रास्ता यहाँ से रहेगा और माल के जाने का रास्ता यहाँ से रहेगा, क्योंकि मशीनें हमारी बैक साइड में लगी हुई है। जो माल जो पाउडर यहाँ रखा है वो पाउडर यहाँ से निकल के आपका मशीनों पर चला जाएगा और जो रॉ मटेरियल गाड़ी से आया वो माल आपका यहाँ से इस गेट से अंदर आकर आपका इस जोन में रखा जाएगा और इस जोन में रखा जाएगा। अब बात करते हैं ड्रम्स की, जो आपके यहाँ लिक्विड माल आता है वो ड्रम आपने इस जोन में
यहाँ पर आपने अपने ड्रम रखने हैं। ड्रम हमेशा एक ड्रम के ऊपर दूसरा ड्रम रखा जाता है, लेकिन दूसरे के ऊपर तीसरा ड्रम नहीं रखा जाता, इसलिए ड्रम आपने यहाँ लगाने हैं और जो पाउडर के बैग है वो आपने अंदर लगाने हैं, क्योंकि पाउडर के बैग आपके काफ़ी हाइट तक ऊपर चले जाते हैं। आपके यहाँ पेंट का काम है, आपके यहाँ मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है, उसके लिए आपने ड्रम जो लगाने हैं वो आप यहाँ पर इस जोन में भी यहाँ पर भी आप अपने ड्रम रखें, यहाँ पर भी आप अपने ड्रम रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस हॉल की। इस हॉल के अंदर जो एंट्रेंस बनानी है, एक एंट्रेंस ईस्ट सेंटर में आ जाएगी और दूसरी एंट्रेंस वेस्ट सेंटर में आएगी। ऐसे ही एक एंट्रेंस ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगी और दूसरी एंट्रेंस वेस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगी। आपके यहाँ माल जो पैक होता है वो मैनुअल होता है या मशीन में होता है, वो आपने कहाँ करना है। आपने मशीन लगानी है तो वो मशीनें आपकी वेस्ट जोन में आ जाएंगी, क्योंकि आपका पेंट का काम है, आपने यहाँ पर पेंट पैक करने वाली मशीनें लगानी है। ये मशीनों से जो माल पैक होगा वो माल आपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जोन में, हॉल के नॉर्थ जोन में, इस जोन में आपने तैयार माल रखना है। हॉल के अंदर एक गेट नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि बड़ी गाड़ी मेन गेट से आएगी और वो गाड़ी आपकी यहाँ लगेगी और यहाँ से जो माल तैयार है वो तैयार माल आपका गाड़ी के अंदर लोड हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने इस प्लांट का सेटअप करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैकिंग मटेरियल आपने कहाँ रखना है। पैकिंग मटेरियल, क्योंकि आपका पेंट का काम है, आपके यहाँ टीन आते हैं, प्लास्टिक के डब्बे आते हैं और कार्टून आते हैं, वो आपने कहाँ रखनी है। जो आपके यहाँ टीन आएंगे वो टीन आपके ईस्ट की दीवार के साथ साउथ ईस्ट तक, यहाँ पर आपके टीन आ जाएंगे, प्लास्टिक के हो या आपके लोहे के हो, वो सारे आपने यहाँ रखने हैं, क्योंकि आपका काम फैलावट का है। टीन आते हैं, पूरी की पूरी गाड़ियाँ बनकर आती है और वो माल सारा आपका यहाँ पर रखा जाता है। आपके यहाँ जो कार्टून आते हैं वो कार्टून आपने कहाँ रखने हैं, वो आपने साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ इस जोन में आपने कार्टून रखने हैं। अब बात करते हैं लैब की। लैब आपने कहाँ बनानी है। लैब आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनानी है और इसकी जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ वेस्ट के भाग से हो जाएगी। लैब के लिए जो मशीनें लगानी हैं वो मशीनें आपकी साउथ की दीवार पर और ईस्ट की दीवार पर, नॉर्थ ईस्ट का कोना छोड़ के यहाँ पर आपकी लैब टेस्टिंग वाली मशीनें आ जाएंगी। आपके यहाँ एक पेंट के सैंपल चेक करने के लिए भी मशीन लगाई जाती है, एक बॉक्स लगाया जाता है जिसके अंदर पेंट के सैंपल तैयार किए जाते हैं, वो मशीन आपने यहाँ पर इस जोन में लगानी है। आपके यहाँ जो ये जोन बसती है, इस जोन में आप कच्चा माल भी लगा सकते हैं और तैयार माल भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस ब्लॉक की। ऑफिस ब्लॉक आपने कहाँ बनाना है। ऑफिस ब्लॉक आपने नॉर्थ प्लस नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनाना है और ईस्ट फेसिंग आपने रखना है। इसमें ऑनर की जो सीटिंग रहेगी वो साउथ वेस्ट के भाग में रहेगी, स्टाफ की जो सीटिंग रहेगी वो साउथ प्लस साउथ ईस्ट के भाग तक रहेगी और आपने अपने यहाँ पर पेंट्री और टॉयलेट बनानी है, उसमें आपकी टॉयलेट यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर आपकी पेंट्री आ जाएगी। और जो ये एरिया बचता है, इस एरिए के अंदर आप अपने स्टाफ को बैठाना चाहे वो बैठा सकते हैं और आप अपने रिसेप्शन बनाना चाहे तो रिसेप्शन भी बना सकते हैं। आपके यहाँ एक सैंपल रूम भी बनाया जाता है। सैंपल रूम आपने कहाँ बनाना है। जो आपका ऑफिस ब्लॉक है, ऑफिस ब्लॉक के बैक साइड में यहाँ पर आपने सैंपल रूम बनाना है, जिसकी एंट्रेंस नॉर्थ सेंटर से होगी और आपका चारों दीवारों पर आपके सैंपल आ जाएंगे, वो आपके अपने डिस्प्ले हो जाएगी। वेस्ट के भाग में यहाँ पर आप स्टाफ के लिए जितनी टॉयलेट चाहिए उतनी टॉयलेट आप बना सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा,
आप अपने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो वो आपने कहाँ बनानी है। अगर आप बोरिंग नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट की दीवार के साथ करते हैं तो नॉर्थ के भाग में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना लीजिएगा, और नॉर्थ वॉल पर आप पानी का बोर करते हैं, सबमर्सिबल लगाते हैं, तो आप ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की ओर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना सकते हैं। आप हमारे यहाँ अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपने दुकान का, अपने शोरूम का नक्शा लाकर हमारे ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब आप हमारे ऑफिस में मीटिंग के लिए आएँ तो आने से पहले आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जरूर लें, ताकि आपके आने पर आपको प्रॉपर तरीके से समय दिया जाए। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उन सब का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।